हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल एक्सेस स्क्रीन के बारे में कुछ। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि क्या कुछ खास होने वाला है आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा गूगल एक्सेस स्क्रीन मेरे घर तक पहुँच चुका है। बहुत टाइम लगा है वैसे आने में इसको, लेकिन कितने दिन लगे मैं आज आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। और आगे क्या प्रोसेस होती है कि जब पिन आपका आ जाता है तो आपको उसके बाद क्या करना है, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन कैसे करना है गूगल एडसेंस पिन की हेल्प से, मैंने अपना एड्रेस क्या डाला है, इसे कैसे अप्लाई किया है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेशन। तो चलते हैं वीडियो की ओर। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि गूगल का एडसेंस पिन मेरे घर तक आने में कितना समय लगा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने अपने गूगल एडसेंस पिन को अप्लाई कब किया था मैं बता देता हूँ आपको कि 2 जून के दिन मैंने अपने गूगल एडसेंस पिन को मंगवाने के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद पूरे 4 हफ्ते की जो इसकी लिमिट होती है, 4 हफ्ते में भी मेरा जो गूगल एक्सेस पिन होता है वो मेरे घर तक नहीं पहुंच पाया। जैसा कि मैं विलेज में रहता हूँ, तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, या फिर जो कोरोना वायरस के चलते जो US में भी जो प्रॉब्लम चल रही है उसके कारण भी हो सकता है लेट हो गया हो। लेकिन पूरा 1 महीना बीत जाने के बाद फ्रेंड्स, मैंने गूगल एक्सेस पिन के लिए मैंने सेकेंड टाइम रिसेंट किया। मैंने उसके बाद डबल मैंने अप्लाई किया कि कब आएगा मेरा ये गूगल एक्सेस पिन। तो उसके बाद भी 15 दिन हो गए और अब जाके मेरा जो गूगल एक्सेस पिन है वो मेरे घर पर आ चुका है। यानी कि लगभग 1.5 महीने का समय लगा इसे मेरे घर तक आने में। अगर फ्रेंड्स, आप भी अपना गूगल एक्सेस पिन मंगवा रहे हो और या फिर उसे आने में टाइम लग रहा है, यानी कि 1 महीना लग रहा है, 1.5 महीना लग रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप उसे 3 बार अप्लाई करके भी मंगवा सकते हो। तो मेरे जो फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था वो ही लेटर आया है जो कि 1.5 महीने में आया, जबकि सेकंड टाइम मैंने जो अप्लाई किया था वो अभी आना बाकी है। क्योंकि जो मैंने सेकंड टाइम में मैंने एड्रेस चेंज कर दिया था, लेकिन इसमें जो एड्रेस दे रखा है वो मैंने फर्स्ट टाइम में ही उसमें फिल कर दिया था। तो आपको एड्रेस कैसे भरना है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है इस कि मेरा गूगल एडसेंस पिन कैसा है। तो यहाँ पर गूगल एडसेंस लिखा हुआ आता है, उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना एड्रेस फिल किया था। मैंने यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, योगेश कोद रोड मांडीदार मोहल्ला बखतगढ़ इंडिया धार मध्य प्रदेश 4546 60। कॉन्टेक्ट नंबर आपको सेकंड लाइन में आपको कॉन्टेक्ट फिल करना है जो मैंने अपने कॉन्टेक्ट डाल रखे हैं। उसके बाद बखतगढ़ मध्य प्रदेश 4546 60, इस तरह से आपको अपना एड्रेस फिल करना है और आप इस तरह से अपने गूगल एडसेंस पिन को मंगवा सकते हो। तो गूगल, जब आपके खाते में, एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि गूगल एडसेंस पिन आपको कैसे मिलता है, कब मिलता है। तो फ्रेंड्स, जब आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $10 या $10 से अधिक हो जाते हैं तो ये गूगल एडसेंस जो होता है ये आपसे ID वेरिफिकेशन मांगता है। जब इसे आप ID वेरिफिकेशन दे देते हो, यानी कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस से आप वेरिफिकेशन देते हो या फिर पैन कार्ड से भी हो जाता है, पहले आधार कार्ड से हो जाता था लेकिन अब आधार कार्ड से बंद कर दिया गया है। इसके बाद इंटरनेशनल पासपोर्ट से हो जाता है। तो मैंने पैन कार्ड से अपना ID वेरिफिकेशन किया था। उसके बाद जो प्रोसेस होती है पिन मंगवाने की, तो उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें मिल जाती है। तो जब आपके अकाउंट में $10 हो जाते हैं उसके बाद की सारी प्रोसेस होती है। तो फ्रेंड्स, तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि मेरा एक्सेस पिन कितने दिन में मेरे घर पे आया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या मिलता है हमें। तो फ्रेंड, जैसा कि इसे मैंने पहले ही अनबॉक्स कर दिया है, इसे पहले ओपन कर लिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ फाइनली इसके अंदर होता क्या है। तो फाइनली फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ पिन दिए गए हैं, योर पिन, मेरे नाम से यहाँ पर पिन आए हैं, मेरे गूगल एडसेंस अकाउंट के जो पिन है ये मेरा एड्रेस वेरिफिकेशन करेंगे, इसे मैं गूगल एडसेंस में जाके इसे फिल कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पिन आ चुका है और कुछ ऐसा ही होता है हमारा गूगल एडसेंस का पिन का लेटर। तो फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट US से आया है, US से मुंबई तक आया, मुंबई से बखतगढ़ आया है। तो फ्रेंड्स, इसे कैसे बनना है मैं आपको मेन स्क्रीन पर बता देता हूँ, मोबाइल की मेन स्क्रीन पर चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की मेन स्क्रीन पर आ जाना है या फिर आपको अपने डेस्कटॉप पर आ जाना है और आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको सिंपली गूगल एडसेंस अकाउंट में जाना है, आपको googleadsense.com पर जाना है। तो उसके पहले आप यहाँ पर इसे डेस्कटॉप साइट पर सेट कर लें, उसके बाद
गूगल एडसेंस में जाएं। गूगल एडसेंस में जाने के बाद यहाँ पर मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन हो जाता है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस। तो यहाँ पर आपको सिंपली वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद जो आपका पिन होता है उसे यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो हमारा जो पिन है वो है 576657। एक बार मैच कर लेते हैं इसे 576657 6657। ओके, इसे मैच कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर सबमिट कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें हमारे पास तीन चांस होते हैं, तीन बार अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो उसे हम बदल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सबमिट करने के बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मेरा एड्रेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा था एड्रेस वेरिफिकेशन का, तो वो यहाँ पर हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन हो चुका है। हाँ तो फ्रेंड इस तरीके से आप भी अपना एडसेंस पिन वेरीफाई कर सकते हैं, अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी हमारी कुछ छोटी सी जानकारी। थैंक यू सो मच।